ओके इकोनॉमिक्स में क्या है, लाइक हम लोगों ने अभी तक कवर किया है क्या है, सेंट्रल क्या है, इकोनॉमी क्या रहती है ना। इकोनॉमिक्स बेसिक क्या है, हम लोग जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो एक सोशल साइंस है जिसमें हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्टडी करना होता है। ठीक है, कि भाई कैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका कंजम्पशन कैसा होना चाहिए या कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग इंडिविजुअल्स को भी, बिजनेस को भी, गवर्नमेंट को भी, नेशंस को भी, इन सब के ऊपर हम काम करते हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन क्या है, बल्कि जो भी हमारे रिसोर्सेस पैदा होते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसको हम कैसे एलोकेट करें। मतलब एलोकेट करने का मतलब है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, राइट। आपको उस 100 रुपए के अंदर पूरा एक दिन चलाना है, तो आप देखोगे ना मैं कितना पैसा अपने पेट्रोल में लगाऊं अगर मुझे ट्रेवल करना है, कितना पैसा मुझे अपने फूड आइटम्स में लगाना है, कितना पैसा मुझे इसमें लगाना है, यानी कि आपका लेजर एक्टिविटी के लिए, या कितना पैसा सेव करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, फैजल यू देयर? फैजल, यस मैम, ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आए कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब मोटा मोटी इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टडी रहेगी, यहाँ से क्लियर हुआ? फैजल यस मैम, समझ में आया ये चीज मैंने भी बताई? देखो, नो मैम, जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे या कोई भी चीज करोगे, उसको आप क्यों करते हो, मतलब उससे आप उसके बारे में आप क्या क्या पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम ऐसी साइंस है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी चीजों की, रिसोर्सेस की, पैसे की, सब्जियों की, क्रॉप्स की, और आपके ये जो गोल्ड है, मेटल्स है, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। वेल्थ से लेके हार्ड रिसोर्सेस से लेके, इवन आपके पास जो जितने लोग स्किल्ड तैयार हो रहे हैं, वो सारा मेरे प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अर्न करता है, तो अर्न करने से जो वेल्थ, जो मनी आ रही है, दैट इज दी प्रोडक्शन, घर के लिए देखे तो, हाँ या ना। अब सॉरी मैम, अगर हम आपके घर में पैसा जो आता है काम काम, जी जो वेल्थ आ रही है, पैसा आ रहा है, वो एक किस्म का प्रोडक्शन है ना, कि इतना प्रोड्यूस हो रहा है आपके घर में। यस मैम, आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपको। बस ब्रेक हो रही है यस मैम, अभी अभी कैसी है? ठीक ओके मैम, फाइन। है, गुड। ओके, मैं बोल रही हूँ कि आपके घर में जितना पैसा आ रहा है वो आपकी प्रोडक्शन हुई ना, कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है घर के अंदर, यस मैम, है ना। फिर उसको कैसे बांटेंगे, भाई कितना पैसा हम लोग अपने प्रोडक्शन, खाने 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 की चीजों के डालेंगे, कितना पैसा हम लोग सिक्योरिटी के लिए रखेंगे, कितने यस से मैम, इंश्योरेंस कराएंगे, कितने से हम लोग थोड़ा फन एक्टिविटी करेंगे जैसे मूवी देखना है। तो ये सारी चीजें प्लान्ड होती है ना, यस मैम, है ना। अगर ऐसा आप प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या होगा फैजल? सब मतलब अगर विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज करेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। वेरी गुड,
कोई चीज ज्यादा हो जाएगी कोई चीज कम हो जाएगी, हो सकता है जरूरत की चीज कम हो जाए और जो जरूरत नहीं है वो ज्यादा हो जाए, है ना। yes, तो इकोनॉमिक्स में भी यही चीज होती है, इकोनॉमिक्स में भी हमें ना कितने मेरे प्रोडक्शन में रिसोर्सेज आ रहे हैं, कितना बन रहा है हमारे देश के अंदर, उसको कैसे कंज्यूम जा रहा है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कैसे मतलब में बांटना है, ये सारी चीजों के ऊपर हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। अब दो तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो में हम ना छोटे लेवल पे बात करते हैं कि भैया एक बंदे की बात करी या एक छोटी सी कंपनी की बात करी या एक कंपनी की बात करी, या एक घर की बात करी या एक बिजनेस की बात करी या कोई एक एजेंसी की बात करी। मैक्रो में हम लोग सबका टोटल मिला के बात करते हैं, मतलब या तो हम सारे सारी कंपनीज का इकट्ठा कह लो, देश का कह लो, विदेश का कह लो, या पूरे वर्ल्ड का कह लो, तो वो सारी चीजें मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। ठीक है? ओके मैम। मतलब माइक्रो है ना। अब जैसे मैं आपकी बात करूं, आपके घर के एक एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो वो माइक्रो हो गया, माइक्रो छोटा। और मैक्रो में मैं कहती हूँ मैं कि आपकी गली की जितनी भी फैमिली है उन सबका टोटल, सो दैट वुड बी अ मैक्रो। ओके ओके मैम। ये इकोनॉमिक्स टू टाइप्स की होती है, एक माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो करेक्ट। फैजल एक बार रीड करो इसको, मैं एक मिनट आपको 5 मिनट में कैच करती हूँ। ठीक है, मैं एक बार नेट चेंज कर लूँ अपना। ठीक है, ओके मैम, 5 मिनट दो। ठीक है फैजल, ये पढ़ा आपने? हेलो। यस मैम। फैजल। यस मैम। ये पढ़ लिया आपने? हाँ मैम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझ में आया ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी तुम्हें? ओके मैम, थोड़ा थोड़ा आया, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया ना फैमिली वाला, उस टाइप से। आप अगर दो लाइनें भी लिख दोगे ना एग्जाम में, साथ में एग्जांपल डाल दोगे, तब भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ओके ठीक है,
अच्छा अब बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमें ये चीज क्यों सोचनी पड़ती है कि ये हम इसको दें ये हम इसको ना दें। अब अगर मैं आपसे घर में बात करती हूँ, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में घर में जो इनकम आती है उसमें ये डिसाइड करना पड़ता है ना कि इतना यहाँ लगाए इतना यहाँ लगाए, ऐसा क्यों सोचना पड़ता है भाई? Actually, पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल घर में पैसा आ रहा है महीने का 2 लाख रुपए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं, उनके यस घर में मैम, 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अब उस 2 लाख रुपए में उनको ये भी सोचना है कि मुझे बच्चों की फीस के लिए इतना सोच लगा सेव करना है, आने वाले टाइम के लिए या दुख सुख के लिए इतना चाहिए, मेडिकल पर्पज के लिए इतना रख लू, है ना, खाने पीने के लिए इतना कर ले, लेजर को थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा फन एक्टिविटी मूवी थोड़ा कम देख लेंगे और चीजें ज्यादा कर ले। तो ये चीजें हमें सोचनी क्यों पड़ती है फैजल, एक अगर हम बेसिक उसमें बात करें तो? एक्चुअली मैम ये फ्यूचर टाइम के लिए मतलब बेस्ट रहता है, मतलब कुछ भी अगर काम करते हैं तो। नहीं मतलब मुझे थोड़ा सोचने की कोशिश करो, फ्यूचर टाइम के लिए सेव करना है, पर फ्यूचर टाइम के लिए मुझे क्यों सेव करना है? फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में भी रख लूंगी, फ्यूचर में भी पैसा आ जाएगा। यस मैम, देखो अब मैं इसका आंसर दूं तुमको बिल्कुल क्लिक करेगा, पैसा कितना भी हो कम पड़ता यस मैम, है ना, यानी कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी कम है, यस मैम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब जरूरतें अनलिमिटेड। भाई आज आपके पास साइकिल नहीं है आपने साइकिल ले, कल उसके बाद कहोगे यार बाइक बाइक का देखोगे यार कार होती कार ले लूं, है ना, यस मैम, ऐसा होता है ना बेसिक। यस मैम, यानी कि रिसोर्सेस ऑलरेडी स्केर्स हैं, कम है डिमांड को पूरा करने के लिए, दूसरा वांट्स जो है वो बहुत अनलिमिटेड है मतलब ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तीसरा उसके ऑल्टरनेटिव चीज है, भाई उसी पैसे से आप घूम भी सकते हो, उसी पैसे से आप मेडिकल सर्विस भी ले सकते हो, उसी पैसे से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हो, उसी पैसे से आप अपना इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हो, है ना, तो सेम चीज हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसका मतलब जब इकोनॉमी में भी बात करें तो एक तो रिसोर्सेस मेरे ऑलरेडी कम है, ठीक है, यस मैम, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेस आई मीन रिसोर्सेस लाइक लेबर लैंड कैपिटल जितने भी है ना हमारे पास इकोनॉमी में वो जरूरत के कंपैरेटिवली इनसफिशिएंट है, ठीक है, ओके मैम। दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब है कि जितने भी हमारी इंसानों की नीड्स हैं वांट्स हैं वो हाँ अनलिमिटेड है, ठीक है, एक डिमांड पूरी एक वांट आपकी सेटिस्फाई होती है दूसरी तैयार हो जाती है, ये तो बहुत मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है ना। तीसरा उसी रिसोर्सेज से जो ऑलरेडी कम है जिसके ऑलरेडी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है उसको हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर जैसे हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल से आप मशीन भी चला सकते हो गाड़ियां भी चला सकते हो, तो सरकार को देखना पड़ेगा ना कितना पेट्रोल गाड़ियों के लिए होना चाहिए, कितना पेट्रोल मशीनों के लिए होना चाहिए, कितना पेट्रोल जनरेटर्स के लिए होना चाहिए। इसका मतलब इकोनॉमी को ये चूज करना पड़ेगा कि भाई इतने रिसोर्सेज हैं उसमें से मैं इतना यहाँ पे दू इतना यहाँ पे दू इतना यहाँ पे दू, ठीक है, यस मैम, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है, कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ठीक है, ओके मैम। अच्छा ये हमने लास्ट क्लास में वैसे पढ़ा था, ए बच्चों तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, मींस हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे हमें, जैसे मेरे पास अगर जमीन है उस जमीन पे मैं मशीनें लगाऊं फैक्ट्री लगाऊं या उस जमीन पे मैं एग्रीकल्चर करूं, और एग्रीकल्चर करूं तो उसमें क्या उगाऊं क्या ना उगाऊं, है ना, इन चीजों को हमें पहले सोचना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया हमें किस चीज की प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे घर को एग्जांपल मैं देती हूँ, घर में जब देखते हैं घर में जब खाना बनता है
तो मदर्स देखती है ना कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से क्या बनाए, बड़े यस मैम क्या बनाए, छोटे बच्चा कितना खाएगा, मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी की जरूरत है उतना बनाए, है ना, कि सारी चीजें उसे बच्चे के लिए, मतलब हमें बच्चे को हमें पोषण भी प्रॉपर मिले, भाई यस न्यूट्रिशन भी मैम प्रॉपर मिले, तो दैट मींस इकोनॉमी में भी जब हम देखते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं तो सरकार को ये देखना होता है, एनालिस्ट को ये देखना होता है कि भाई गुड्स एक तो ऑलरेडी बहुत कम है, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि उससे हमें क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। ओके मैम नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, उसके बाद आ जाते हैं मेरा हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस में देखेंगे हम लोग कि भाई हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करें, हम लोग लेबर ज्यादा लगाएं या हम कैपिटल ज्यादा लगाएं, इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो कौन सा महंगा पड़ता है कौन सा सस्ता पड़ता है, और उस दूसरा भी देखते हैं हमें कि हमें जरूरत क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब हमें ज्यादा लेबर चाहिए। अच्छा लिया लिया लिया, ओके। देन हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग देख रहे हैं कि लेबर ज्यादा होनी चाहिए हमारे काम में या कैपिटल ज्यादा, भाई एक या तो मैं कहूँ कि मेरे देश की लेबर इतनी सारी है और मुझे उसकी कॉस्ट इतनी कम पड़ रही है कि मैं लेबर से काम करवा लूँ, ठीक है, या मैं देखूँ कि मैं अपने कैपिटल से, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के लिए मैं 4 मजदूर लगाऊं या क्रेन मंगवा के करवा लूं उसको, तो मैं देखूंगी दोनों में मेरे को कॉस्ट कौन सी कम पड़ रही है। दूसरा, हमारे देश की स्थिति कैसी है ना, हमारे देश में अगर लेबर बहुत ज्यादा खाली घूम रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो बेटर है ना कि मैं नौकरी दे दूं उनको, काम दे दूं, भाई वो पैसा मैं मशीन चलाने वाले को देने के बजाय 4 लेबर को दे दूं, समझ आया। यस मैम अच्छा, उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस तीसरा आ जाता है कि भाई देखो सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों की नीड्स तो मैं सेटिस्फाई कर नहीं सकती, बट ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कंजम्पशन के लिए ज्यादा बनाऊं, लग्जरी गुड्स ज्यादा बनाऊं, लग्जरी मतलब वो जो टॉप क्लास के लोग होंगे वो, जैसे गाड़ियां हो गई, डायमंड नेकलेस हो गए, ये मेरी ज्यादा बिक रहे हैं तो ये लूं, या फिर मैं अपने कैपिटल गुड्स के लिए, मतलब जैसे ये अपनी डिफेंस वगैरह के लिए चीजें ज्यादा बनाऊं, इसका मतलब है मेरे देश की जरूरत क्या है ना, कैसा मैं ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार करूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो, समझ आया। यस मैम अच्छा, अब एक होता है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्या होता है कि इसको देखो, यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ये वाला टेबल दिया, वैसे इसको पढ़ने के बाद मैं ऐसे नोट्स जब भेजूंगी ना तो पढ़ने के बाद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ये है एप्पल, ये है वीट, एप्पल है 100, 90, 70, 40, 0 करके, और वीट है 0, 10, 20। जैसे जैसे मैं ना ज्यादा सेब उगा रही हूँ ना या सेब कम कर रही हूँ, वैसे ही मेरी वीट बढ़ रही है, मींस मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए से मैंने 100 एप्पल, 100 लाख टन एप्पल बन ले लिए, और गेहूं बिल्कुल नहीं दिया, 0, पर अब मेरे को गेहूं भी लेना है थोड़ा, तो मुझे एप्पल को कम करना पड़ेगा, भाई तुम्हारी जेब में 100 रुपए है, 10 रुपए के तुमने एप्पल ले लिए, वो गेहूं ले लिया, 90 रुपए की एप्पल खरीदे, यस मैम है ना, और जैसे जैसे मैं गेहूं बढ़ाना चाहती हूँ वैसे वैसे मेरे सेब कम होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके मैम ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, यस मैम चलो। अच्छा, अब बात करते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स की। अब जैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन क्या करना है, कंजम्पशन क्या करना है,
कैसे बनाने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे रिसीव करने हैं। जब हम हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स तो टोटल सारी चीजों के ऊपर बात करता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो जो अप्लाई होता है वो हेल्थ केयर पे अप्लाई होता है। हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आपके ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सब मिला के जो इंडस्ट्री बनेगी हेल्थ इंडस्ट्री, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मैम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके अच्छा, हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या एड्रेस करते हैं? हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं प्राइमरली जो ये दिखाएंगे कि एफिशिएंसी हमारी कैसी है, मतलब हम हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। यस मैम। ओके अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है हेल्थ इकोनॉमिक्स? एक तो मुझे इनसाइट्स मिल जाएंगे कि मेरा जो हेल्थ सेक्टर है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे फाइनेंस करें, किस तरह से हम उसके इश्यूज को एड्रेस करें, अपने हेल्थ इंडस्ट्री के इश्यूज को, ठीक है। जैसे कि कुछ चेंजेस लाने, जैसे कि जैसे आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस है, या डिवोल्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू प्राइमरी केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजों से इन सब हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और इससे बेटर डिसीजन मेकिंग हुआ है, ठीक है जी। हेल्थ इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली अलग से सब्जेक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसकी फाइनेंसिंग पे अच्छे से बात हो, किस तरह के ब्रॉड इश्यूज हैं उस पे काम हो, ये सारी चीजों को हम जब स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ सेक्टर, दैट इज व्हाई इट हैज हेल्प एंड इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ सेक्टर और हेल्थ इकोनॉमिक्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ओके मैम। ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट डू हेल्थ इकोनॉमिक्स डू, मतलब अगर हम बात करें कि अगर आप हेल्थ इकोनॉमिक्स बन जाते हो या कोई एक हेल्थ इकोनॉमिक्स बनता है तो क्या काम करता है, उसकी ड्यूटीज, मतलब वो कौन कौन से स्कोप रहेंगे, कौन कौन से एरियाज पे काम करता है? तो वो काम करेगा कि हेल्थ क्या है, हम उसकी कैसे वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि देखो हेल्थ कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जो एक प्लास्टिक का डब्बा या किसी में दे दोगे, है ना। बेटर हेल्थ हो किसी भी इंसान की, अगर देखो वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको एक पैकेट में डाल के दे दोगे कि ये आप खा, ये आप अपने पास रख लो, ये आपके पास है तो आपकी हेल्थ है वरना नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जनरली अगर हम बात करें, बेसिकली हम बात करें तो हेल्थ में हम लोग हेल्थ क्या है, हु इज द सेकंड पर्सन फैजल के अलावा? आई डोंट नो मैम, ये सेकंड पर्सन कौन है, नाम क्या है, नाम नहीं आ रहा। यहाँ भी शो नहीं हो रहा है मैम, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास शो हो रहा है। सो हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या करेंगे कि भाई हेल्थ क्या है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, और हेल्थ केयर सेक्टर को कौन, मतलब कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे लोगों को ये जागरूकता है कि भाई उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक 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 हमारा प्रोडक्टिव पर्सन है, एक अच्छा काम करने वाला इंसान है जो अच्छा जॉब कर रहा है, कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे देश के लिए भी तो फायदेमंद है, है या नहीं है भाई? वो जितना कमाएगा मेरे देश की इनकम में भी तो ऐड होगा पैसा, टैक्स भी देगा, है ना, एजुकेटेड और सिविलाइज कल्चर को भी ऐड करेगा, है ना। यस मैम। फिर देखते हैं कि वो ये भी उन फैक्टर्स पे भी काम करेगा कि किन किन वजह से जो है हेल्थ केयर और हेल्थ बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे डिमांड बढ़ेगी हेल्थ की, कैसे सप्लाई बढ़ेगी हेल्थ केयर की, जैसे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, नर्सेज हैं, ये लोग कैसे मतलब इस तरह के जो प्रोडक्टिव लोग हैं कैसे बढ़ सकते हैं, देन
किस किस तरीके से हम लोग बेटर हेल्थी डिलीवरी कर सकते हैं, क्या प्लानिंग बजटिंग करें, मॉनिटरिंग करें हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, फिर और कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के क्या हमारे बेटर तरीके हैं, मतलब किस तरीके से बेटर हेल्थ डिलीवर हो सकती है, ये इसके इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, तो ये सारी चीजें जो है एक हेल्थ इकोनॉमिक्स करता है, ठीक है, इस तरह के काम उसको मिलते हैं करने के लिए, ठीक है, क्लियर है? फैजल मैं, यस मैम, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? नो मैम, नहीं। अब एक काम आता है, ये भी वही सेम चीज है कि एक इकोनॉमिक्स रहेगा तो उसमें वो क्या क्या करते हैं, मतलब इकोनॉमिक स्टडी द बेस ऑफ सोसाइटी यूजेस गैस रिसोर्सेस, गैस रिसोर्सेस को यूज करने के तरीके, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, रॉ मटेरियल, किसी भी चीज यूज करना, और कि भाई वो किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं, रिसर्च करनी, क्या कुछ एनालाइज करना, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को मॉनिटर करना, फोरकास्ट को डेवलप करना, मतलब आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री बेटर हो सकती है, किस तरह के तरीकों से हमारा प्रोडक्शन बेटर हो सकता है, ये सारी चीजें मेरी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर? ओके मैम। अब फैजल एक काम है ना, पेपर बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, और इसके 4 टाइप्स, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले एक बार इसको आप रीड करो, है ना, 5-7 मिनट लेके, 10 मिनट लेके इसको पूरा पढ़ के फिर उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये वो टॉपिक मैम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एवोल्यूशन। करेक्ट करेक्ट, ओके मैम, ठीक है, इसको पढ़ो आप। मैम एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज है, शायद 14% है। अच्छा, तो फोन चार्जिंग पे नहीं, इन्वर्टर भी लो हो चुका है, कभी भी फोन ऑफ हो सकता है, बाय द वे मैं रीड कर लेता हूँ। नहीं, आपके पास अभी चार्जर है, फोन चार्ज कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नो मैम, अभी तो फोन समथिंग 15 मिनट्स चल जाएगा। क्लास तो आपकी 4 बजे तक है। क्या करना है बताओ, पैदल आपको चार्जर नहीं है क्या? नहीं मैम, चार्जर है लेकिन इन्वर्टर डाउन हो चुका है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं फिर एक काम करती हूँ, आप इसे जब तक पढ़ो 5 मिनट लगाओ, फिर उसके बाद देखते हैं ना। ओके मैम, 15-20 मिनट जितना और क्लास होगी उतना करा देती हूँ, बाकी okay. फिर कल शेड्यूल करा देंगे, ठीक है? ओके मैम।
पजल पढ़ रहे हो? यस मैम। ठीक है चलो थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ, फिर कहीं ना आपका फोन पे सारे। एक्चुअली मैम ये मैं ये पूछ रहा था, मेरे पास फैमिली का फोन है, अगर आप लिंक शेयर कर दें तो वो फोन चार्ज है फुली। एक मिनट यार ये मेरे को पता नहीं तुम लोगों को कैसे लिंक शेयर करती हूँ। सीमा, सीमा से बोल सकती हूँ मैं? ओके मैम। नंबर दे दो मुझे, बता दो एक बार, चैट पे डाल दो, नंबर में डाल दो। एक और भी है ना साथ, मैंने अभी रितिका आ गई, रितिका 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 की आवाज नहीं आ रही मैम, कहाँ इसमें शेयर इसी में अपना वो नंबर डाल दो जिस नंबर पे लिंक शेयर करने। रितिका 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 हेलो मैम, रितिका बच्चे एक हेल्प कर दोगे क्या? फैजल को ना एक फैजल का फोन फोन बंद होने वाला है, तो एक इस नंबर पे लिंक शेयर कर दोगे क्या इस क्लास का फैजल के साथ? ओके मैम। चैट बॉक्स में है ये नंबर 9259134221। ठीक है मिल गया फैजल, रितिका बच्चे कर दिया आपने? रितिका रितिका अनम्यूट करो पहले। नो मैम जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा अच्छा कंफर्म करना जब कर लोगे। ठीक है मैम हो गया। यस मैम बट यस मैम बट इस फोन में जूम डाउनलोड नहीं मैम। हाँ आप वहां से अटेंड कर लो। ठीक है ओके मैम वन सेकंड, चलो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फिर। ओके सो रितिका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी वांटेड टू स्टडी इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ओके मैम। ठीक है अच्छा देखो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जो क्या बात करता है, वो बेसिकली ये बात करता है कि जो भी मेरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर हम चॉइसेस करेंगे, वेदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इन सारी चीजों में हम लोग एफिशिएंसी कैसे लाएं, मतलब हमारे जो चॉइसेस रहेंगे, हमारे जो डिसीजंस रहेंगे वो एफिशिएंट डिसीजंस कैसे बनेंगे, दैट वी डू इन अ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है ठीक है दैट मीन्स इसमें अगर हम बात करें इट रिलेट्स द बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशंस टू द रिसोर्सेज इनकर्ड इन देयर प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई इसका मतलब ये है कि
जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन है, मतलब एक चीज को करने के मेरे पास जो दूसरे ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन है, अगर मैं उसको ले आती हूँ तो इससे मेरे प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स होंगे हमें, ये सारी चीजों का स्टडी करना मेरा इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है कि भाई हम इकोनॉमिकली अपने ऑल्टरनेटिव्स को कैसे इवैल्यूएट करें जिससे कि जो मेरी चॉइस हो वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कहलाए, जिससे मैं ज्यादा बेनिफिट ले सकूं और कम कॉस्ट में। क्लियर? यस मैम। ओके फैजल आगे। फैजल यस मैम समझ में आ रहा है? देखो फैजल जहां नहीं समझ में आता ना वहां मुझसे पूछो। ओके मैम ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा चार्ट दिया हुआ है कि भाई एक ये जो इनपुट इन रिसोर्सेज है अगर मैं ऑप्शन वन चूज करती हूँ तो क्या बेनिफिट मिलता है, और फिर इस ऑप्शन टू चूज करती हूँ तो क्या बेनिफिट मिलता है। मींस फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए से खाना लेने जा रहे हो तो 100 रुपए से एक जगह से आपको क्या क्या मिल जाता है खाने में और दूसरी जगह से क्या क्या मिल जाता है खाने में, तो चॉइस हमारी कौन सी होगी जहां से हमें खाना अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी मिले। करेक्ट? यस मैम। है ना, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि भाई मैं इस रिसोर्स को यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे ये, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे पैसा प्रोड्यूस करना है, वेल्थ प्रोड्यूस करनी है देश के अंदर, तो वो मुझे एग्रीकल्चर से ज्यादा मिल रही है या मुझे कपड़े के प्रोडक्शन से ज्यादा मिल रही है या मुझे मशीन के प्रोडक्शन से ज्यादा मिल रही है या मुझे कोई सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज बढ़ा के अच्छी मिल रही है, मतलब कहाँ से वेल्थ बेटर इम्प्रूव होगी, तो उसके मेरे को ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, मैं उस जगह पे पैसा लगाऊं या उस जगह पे अपने रिसोर्सेज लगाऊं ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि मेरे जितने भी ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन है एक चीज को करने के लिए उसको इवैल्यूएट करना मेरा इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। ठीक है? क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब एक बार देखो ये पढ़ो, अपने आप पढ़ो फटाफट। पढ़ा सिर्फ इतना सा पार्ट जो मैंने बताया अभी वो समझ उसी से जुड़ा हुआ मिला या नहीं मिला? यस मैम। है ना पैजल? यस मैम। समझ में आया ये जोड़ पाया उससे जो मैंने बताया अभी? हाँ मैम थोड़ा समझ में आया क्योंकि मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा था ना इसलिए थोड़ा अच्छा। फोकस नहीं कर पाया। ठीक है ओके। अच्छा आप बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग कभी कोई इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं है ना, तो इन कुछ प्रिंसिपल्स या इन कुछ कॉन्सेप्ट्स का हमें अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सबसे पहली बात बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हम लोग कोई भी एक चीज पाने के लिए पहली वाली चीज जो गंवाते हैं, मतलब अगर कोई दूसरी चीज चाहिए तो तुम्हें पहले ये वाली छोड़नी पड़ेगी। कोई एग्जाम्पल सोचो इसका। मुझे ना इसमें आप लोगों से एग्जाम्पल चाहिए और टेक्निकल चाहिए, ये एक बार फटाफट पढ़ के सोच के एग्जाम्पल दो मुझे भाई। इसमें आपको क्या करना होता है? अगर कोई दूसरी चीज आपने एक्सेप्ट करनी है, लेनी है, यूज करनी, तो पहली आपको छोड़नी पड़ेगी।
देखो यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन बजट्स आर फाइनाइट रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इनटू वन एरिया विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अनदर एंड रिसोर्सेज शुड बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ दिस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोच के देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जस्ट एक दो मिनट दिमाग को अपने लेके सोचो कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम डन। फैजल। यस मैम। हाँ तो क्या क्या समझ में आया, एग्जांपल बताओ कोई टेक्निकल। फैजल। Yes, ma'am. Yes, ma'am, अगर मुझे मतलब कोई भी चीज लेनी है, एग्जाम्पल मुझे फर्नीचर लेना अपने घर का, तो मुझे अपने सेविंग अकाउंट से जो मेरी सेविंग्स है वो देनी पड़ेगी उसके बदले, तभी मुझे फर्नीचर मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब आप अगर फर्नीचर लेने जा रहे हो तो आप अपना सेविंग अकाउंट और उसके ऊपर होने वाला इंटरेस्ट दोनों कम कर रहे हो, खो रहे हो, राइट? है ना, आपको लग रहा है कि मुझे फर्नीचर जरूरी है, मेरे फर्नीचर मेरे ऑफिस में लगना है जिसपे लोग आके बैठते हैं क्योंकि मेरा कस्टमर का वॉक इन है, मेरे को चाहिए ही चाहिए। उसके बदले में आप अपने सेविंग अकाउंट से आप अपना जो वो वाली इनकम है जिससे आपको एज अ इंटरेस्ट आ रही थी वो आप छोड़ रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर लूजिंग वन थिंग इन ऑर्डर टू गेट वन, करेक्ट? ऐसे ही जैसे सैलरी का एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्पिटल में ऑलरेडी जॉब करते हो और वहाँ आपकी फुल्ली लेट्स से 30,000 सैलरी है, ठीक है? अब आपने 30,000 की सैलरी, आपको एक ऑफर आया वहां पे सैलरी मिलेगी आपको 40,000 और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो जब आपने उसको ज्वाइन किया तो आपको 30 वाली लूज करनी पड़ेगी ना पहले। यस मैम। है ना, और हो सकता है यहाँ पर आपको सैलरी 30 थी लेकिन एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, आपको स्ट्रेस कम है, घर के पास है ना, और दूर जहाँ पे 40,000 में जा रहे हैं वहां आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है या ट्रैवल है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एडिशनल चीजें भी खो रहे हो दूसरी जॉब को पाने के लिए, करेक्ट? तो जब कह रहे हैं कि जब बजट्स फाइनाइट होते हैं तो रिसोर्स जो इन्वेस्ट करते हैं हम एक एरिया में विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अनदर,
मीन्स जो आप नेक्स्ट पैकेज सैलरी उठाने जा रहे हो इट्स एट अ लॉस ऑफ द यूजिंग विच यू आर डूइंग प्राइमरीली. जो आप पहले नौकरी कर रहे थे उसका सैलरी आपको छोड़ना पड़ेगा दूसरी जॉब की सैलरी उठाने के लिए. क्लियर? यस मैम. है ना? पर समझ में आया आपको फैजल ये? यस मैम. ये इम्पोर्टेंट है. इसको इस टॉपिक को ना मतलब इकोनॉमिक्स के इस पेपर में भूलना मत करना. ठीक है. अच्छा पर्सपेक्टिव मींस हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है. मींस जब भी हम लोग इकोनॉमिक क्वेश्चन बनाते हैं या सोचते हैं या कोई एनालिसिस करते हैं ये हमेशा कि मेरा जो एनालिसिस है मैं किस व्यू पॉइंट से करना चाह रही हूँ. क्या मैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रही हूँ? क्या मैं बेनिफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रही हूँ? पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाह रही हूँ? हेल्थ अथॉरिटी से नजर से देखना चाह रही हूँ? सोसाइटी की नजर से देखना चाह रही हूँ? तो ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई जो भी आप अपना इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के बेसिस पर डिसीजन लेने जा रहे हो उसके पीछे आधार क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है. ठीक है. अब देखो अब हर पर्सपेक्टिव अपने आप में एक अलग आंसर और अलग ओपिनियन देगा, व्यू पॉइंट अलग देगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सैलरी की बात करी, मैंने आपको बताया कि एक जगह पे सैलरी आपको 30,000 मिल रही थी लेकिन वहां पे ईज ऑफ एनवायरमेंट है, वहां पे लोग फ्रेंडली हैं, वहां पे आपको कभी जल्दी निकलना पड़े किसी फैमिली रिक्वायरमेंट की वजह से तो आपको आपके बॉसेस निकलने देते हैं, आपको वहां ट्रैवल नहीं करना पड़ता ज्यादा. लेकिन दूसरी जगह आपको जहां आपको 40,000 मिल रही है वहां आपके ऑफिस आवर्स बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, किसी तरह का कोई कोई आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही, आपको वहां ट्रैवल भी करना पड़ रहा है. तो अब मम्मी पापा के देखेंगे, वो कहेंगे यार छोड़ना इतने सैलरी का कोई बहुत, पर तेरे को यहाँ पे लाइफ आसान है, तू आराम से आ जाते हो. देन यू ऑल्सो हैव दी यू नो बेनिफिट्स ऑफ नॉट ट्रैवलिंग. बट समबडी में थिंक नहीं यार आगे ग्रोथ भी तो देखनी है ना. तो पर्सपेक्टिव क्या है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फिर व्यू पॉइंट बनता है. ठीक है. क्लियर? यस मैम. है ना? फैजल समझ में आया बच्चे आपको ये? यस मैम. थोड़ा थोड़ा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लेबर लगाए थे और वो 100 यूनिट्स बना रहे थे, मैंने 5वां लेबर लगा दिया तो 130 यूनिट्स बन रहे हैं. तो 5वां लेबर लगाने से कितने यूनिट का फर्क आया? 30, क्योंकि पहले 100 थे अब 130 हो गए. है ना? तो मार्जिन एनालिसिस ये बताता है कि मैं कोई नई चीज जब उसमें डालती हूँ अपने प्रोडक्शन में या कोई सर्विस में तो उससे होने वाला बेनिफिट कितना अराइज हो रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस. ठीक है. जैसे लेबर का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो. ठीक है. आगे बढ़े. यस मैम. ओके. अब कह रहे हैं हम लोग जब भी हम लोग इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करेंगे तो 4 टाइप्स के फॉर्मल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट यूटिलिटी और कॉस्ट बेनिफिट. और लास्ट में एक हमारा कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस भी होता है, वो एक छोटा सा अलग से पार्ट है, कोई बात. कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस ये बताता है कि भाई अगर मेरे पास 2 अल्टरनेटिव है किसी को करने के तो कौन सा वाला ऑप्शन मेरे लिए चीप रहेगा, मतलब कौन से वाले में मेरी कॉस्ट कम रहेगी. ठीक है. कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोलता है कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मतलब इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आए. मतलब जैसे जो हम जितना कॉस्ट लगा रहे हैं उसके बदले में उसका प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ज्यादा हो. ठीक है. जैसे कि अब ये हम लोग साइंस मतलब ये इकोनॉमिक्स के फॉर्म में बात करें तो हम और हेल्थ सेक्टर में स्पेशली, तो जैसे अगर हम कौन से ड्रग्स या कौन से प्रोग्राम्स हम लोग लगाएं जिससे हेल्थ आउटकम बेटर हो, ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज कम हो, लोगों की लाइफ बचे. है ना? अभी जैसे हमारा ये था क्या बोलते हैं कोविड के टाइम पे, है ना, कोविड के टाइम पे पहले हम कौन सी वैक्सीनेशन लाएं, कौन सी हमें सस्ती पड़ेगी, फिर हमने अपने आप बनाने की ट्राई करी, टेस्ट किट यहाँ पे बनाए, उसके रिजल्ट देखे. तो बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई
जितना हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उसके बदले में हमारे को रिजल्ट्स कितने बेटर मिलेंगे, कितने इफेक्टिव मिलेंगे, दैट इज योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस. ठीक है? यस मैम. ओके, देन वी हैव कॉस्ट यूटिलिटी, मींस यूटिलाइजेशन, यानी कि इसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखेंगे. ठीक है, मतलब एक तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसका बेनिफिट्स कैसा आ रहा है, और उसके फिर हम कंपैरिजन देखेंगे कि ट्रीटमेंट एरियाज में हमारे कौन से बेटर है, मींस किससे हमारी क्वालिटी बेटर हो सकती है लाइफ की, या हमारा कोई पर्टिकुलर हम लोग हेल्थ इंडेक्स ले रहे हैं या हम लोग लाइफ साइकिल इंडेक्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से बेटर हो सकती है वो हम कॉस्ट यूटिलिटी में एनालाइज करते हैं. ठीक है, ये मोर और लेस आपको ना थोड़ा थोड़ा सेम लगेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन जब पढ़ोगे ना बिटवीन द लाइन देन यू विल गेट टू नो कि हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें, वहां पे तो हम लोग देश के भला और इन सब के बारे में बात कर रहे थे, इफेक्टिवनेस के बारे में, यूटिलिटी में हम दोनों देख रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट के लिए, तो कि भैया हम देखते हैं कि भैया सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कितना कौन सा बेटर है पैसे के फॉर्म में. ठीक है, और कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि अगर हमारी कोई चीज हम लोग नहीं ले रहे, मतलब हम लोग इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को चूज कर रहे हैं, बी को नहीं कर रहे, तो ए को चूज करने के जो फायदे हैं और बी को चूज कर ना चूज करने के जो नुकसान है, हम दोनों को एनालाइज करेंगे. समझ में आया? मतलब अगर हम पीपीटी किट यहाँ बनाते हैं तो हमारे फायदे तो ये, हमें कॉस्ट कम हो गई, नुकसान क्या है, हमारे यहाँ पे बनाने वाले लोगों की भी तो, जब वो टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी जाने भी तो गई है. नहीं? Yes, ma'am. है ना, तो हमें दोनों चीजें, हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी स्टडी करना है इसके अंदर. ओके, अच्छा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है मार्केट. क्या होता है मार्केट? फैजल बताएगा. फैजल मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जहां प्रोडक्ट सेल या बाय मतलब किए जाते हैं या परचेज होते हैं. वेरी गुड, मींस मार्केट वो ऐसी जगह है या वो ऐसा तरीका है, ये वो ऐसा अरेंजमेंट है, मैकेनिज्म है, जिससे कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो अपनी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और अपनी क्वांटिटी को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, है ना, और म्यूचुअली अग्रीड प्राइसेस के ऊपर. मतलब वो कहते हैं कि भाई आज सोने का 50,000 का रेट है, तो 50,000 के रेट के हिसाब से मैं आपको 10 तोला बेचने के लिए तैयार हूँ और आप 10 तोला खरीदने के लिए तैयार हो. ये मैंने फोन के थ्रू बात करी एक दूसरे से और मैं अपना सामान भेज, उसने ऑनलाइन पेमेंट करी, मैंने कोरियर से भेज दिया. मतलब हम लोग फिजिकली नहीं एक मार्केट में जा रहे, लेकिन हम लोग फोन के थ्रू, हम लोग लैपटॉप के थ्रू या हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू अपना सामान ले बेच रहे हैं. तो इसका मतलब मार्केट वो एक जगह भी है, वो एक अरेंजमेंट भी है, वो एक मैकेनिज्म है जिससे कि बायर्स और सेलर जो है वो अपनी कमोडिटी को, सर्विसेज को एक दूसरे को सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक एग्रीड प्राइसेस के ऊपर. क्लियर? यहाँ से क्लियर है पूरा? यस मैम. ठीक है, अब एक बार ये और ये यहाँ तक पढ़ो फटाफट से, यहाँ तक, सॉरी जल्दी से पढ़ो 5 मिनट के अंदर. मैम डन.
हुआ? यस मैम। ओके फैजल आपको आया? फैजल यस मैम, ये मार्केट थोड़ा आया। ओके अच्छा, अब मार्केट में ना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। अब हमारा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसके यहाँ पे हमारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। वहां उस मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, प्राइसेस भी सेम होते हैं। जैसे आप अगर एक अंकल चिप्स का पैकेट एक दुकान से लेने जा रहे हो, वो 10 रुपीज का है फॉर एग्जाम्पल, दूसरी दुकान से भी वो 10 रुपीज का ही, तो कोई भी एक सेलर 15-20 पैकेट लेके दुकान खोल सकता है, प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल। और यहाँ पे बायर्स को पता है कि भाई ये 10 रुपए का मिलता है, उनको फुल नॉलेज है, ठीक है? Yes, ma'am. अब इस इंडस्ट्री के अंदर देखो प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जहाँ ये देखो डिमांड कर्व है ना, ये डीडी का लेफ्ट वाला और एसएस का, ये जो कट क्रॉस देख रहे हो, ये लोग एक्स दिख रहा है आपको ये? Yes, ma'am. तो जहाँ पे ये दोनों मैच कर जाएगा, मतलब डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वेट कर जाएगी, उतना प्राइस होता है मार्केट के अंदर। यानी कि प्राइस जो है यहाँ पे कोई भी एक बंदा डिसाइड नहीं करता, ये मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है? और दूसरी चीज ये आप लर्न कर लेना कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ये दोनों डायग्राम बना दोगे ना एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है? ओके मैम। कोई चीज लिखी हुई है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और कोई भी इंडिविजुअल फर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती प्राइस को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ कि मेरे पास ज्यादा लोग आए सामान खरीदने, मतलब आपका चिप्स खरीदने, तो मैं 9 रुपए का बेचने लग जाऊं उसको, क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? एक दुकानदार की नजर से देख के बताना मुझे, 9 रुपए का बेचने लग जाऊं? फैजल जी मैम, बेच सकती हूँ 9 रुपए का? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि अंकल चिप्स जो है 10-10 रुपए का बिकता है पैकेट, करेक्ट? छोटा वाला पैकेट 10 रुपए का बिकता है। यस मैम। अगर मैं उसको, मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मुझे मेरी दुकान ज्यादा चलानी है, मैं उसको 9 रुपए के हिसाब से पैकेट बेचने लग जाऊँ, बेच सकती हूँ? नो मैम। क्यों? इसमें कुछ ज्यादा मतलब लॉस हो जाएगा अपना। वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट भाई, 9 रुपए के हिसाब से, 9 रुपए का तो मुझे पड़ता है, 1 रुपए का तो प्राइस बेनिफिट है, ठीक है? और वही दूसरा पे, दूसरे बार को, दूसरे सेलर को भी 9 रुपए का पड़ता है, वो 10 रुपए का बेचता है, तो अगर तो मैं उसको मार्केट के प्राइस से के नीचे से बेचूंगी तो मुझे लॉस है, मैं वो बियर नहीं कर सकती। और अगर 11 का बेचूंगी तो प्रॉफिट है मैम। फिर प्रॉफिट है मैम, प्रॉफिट है, लेकिन 11 का बिकेगा? नो मैम। तुम ले लोगे 11 रुपए का? नो मैम, सेम प्राइस होगा ना, इसीलिए तो जहाँ मतलब जो सेम 10 रुपए का बिकता है और साथ में एक दूसरी दुकान है, दूसरी दुकान से ले लोगे? मींस इसमें इतने सारे सेलर बायर्स होते हैं कि कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है कि बायर्स को भी पता है और सेलर्स को भी पता है कि भैया फुल नॉलेज क्या है प्रोडक्ट की, प्राइस की, सब कुछ। तो यहाँ पे वही फीचर्स दिखे हुए हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ बायर सेलर्स हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है, एंट्री और एग्जिट फ्री है, परफेक्ट नॉलेज है लोगों को, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब है एक जो आपका खरीदने वाला कंज्यूमर है वो एक दुकान से दूसरे दुकान बहुत जल्दी मूव हो सकता है। डिमांड कर्व परफेक्टली लास्टिंग है, दैट मींस बिल्कुल चेंज हो सकती है, जरा सा चेंज करोगे आप बिल्कुल चेंज, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है रितिका? यस मैम। क्लियर हो रहा है टॉपिक? हाँ जी मैम। हाँ यस मैम। ओके देन वी हैव मोनोपोली मार्केट, एक बार इसको पढ़ो फटाफट, ये भी संभव हो।
रितिका जस्ट जस्ट गो थ्रू दिस कंप्लीटली यहाँ तक एंड फैजल यू ऑल्सो, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? टेक 5 मिनट्स एंड गो थ्रू दिस. रितिका हो गया है? Yes. Okay. Yes, ma'am. समझ में आया इसमें, मतलब हम लोग इसको वहां से डिफरेंशिएट करें तो मींस ये हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था परफेक्टली वाला. परफेक्ट और मोनोपोली में क्या डिफरेंस मिला आपको? मैम परफेक्ट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर होते हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. और उसमें बायर के पास चॉइस होती है, इसमें बायर्स के पास चॉइस नहीं होती. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट मैम और तो आप ही बता दीजिए. देखो हम लोगों ने बायर सेलर्स की बात कर ली, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो भी मेरे फर्म्स है ना उनको रिस्ट्रिक्शन हो गया एंटर करने में, उसका रीजन है. पहले एग्जांपल बताओ इसका कोई. एग्जाम्पल देखो रेलवेज है, अभी तो खैर थोड़ा सा फिर भी उसमें प्राइवेटाइजेशन आ गया है, बट इंडियन रेलवेज की बात करें तो वो टोटली इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है. यस मैम, है ना? क्या अगर कोई चाहे, फॉर एग्जाम्पल अदानी चाहे या अगर आप अंबानी की बात करो, क्या वो अपना रेलवे शुरू कर सकते हैं अलग से? गाड़ियां बनानी चलानी सब कर वो एकदम से कर सकते हैं? क्या लगता है? या चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अब हमारा हुंडई गाड़ी बनाता है, हुंडई इंडियन रेलवे में घुस सकता है? मतलब वो बनाना शुरू कर दे गाड़ियां और चला ले सब, ऐसा हो सकता है? सोच के बताओ. Who else have joined? हम्म
मार्केट में से क्वेश्चन आएगा, नहीं क्यों उसका इसका लॉजिक चाहिए मुझे कि व्हाई व्हाई इट कैन नॉट हैपन। बिकॉज ये सभी के इलीगल राइट होते हैं कि हम किसी को कॉपी वगैरह नहीं कर सकते या फिर उसके लिए उसको उसके लीगल राइट्स परचेज करने पड़ेंगे। अच्छा और फैजल, फैजल ने बिल्कुल नहीं सोचा आज। यस मैम। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ अंबानी को रेलवे में एंटर करना है, मतलब रेलवे गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है ठीक है, मे बी उसका टिकट बुकिंग या कुछ पार्ट प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बट उसकी मैन्युफैक्चर, उसका कितना उसमें फ्यूल कंजम्पशन होना है, कौन कौन से नए रेल ट्रैक्स बनने, सब तो गवर्नमेंट के पास है। यस मैम। ठीक है, पर वो एक प्राइवेट प्लेयर उसमें क्यों नहीं घुस सकता? सबसे पहले तो घुसने के लिए भैया उतनी कैपिटल, कितना पैसा चाहिए होगा रेलवे में घुसने के लिए? सबसे बड़ी बात तो कैपिटल। यस ठीक है, दूसरा पहले तो चलो आपने समवेयर बहुत कुछ कर करा के लोन्स लेके या सब कुछ अपना बिजनेस पैसा क्लोज करके आपने रेलवे में आने की सोचे, पर एक बात बताओ जो इतने सालों से रेलवे चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, उसमें जो उसकी जो यू नो इकोनॉमी ऑफ स्केल अब उसके पास आ चुका है, टेक्निकल एफिशिएंसी आ चुकी, क्या एक नया प्लेयर ले आएगा? नो मैम, नहीं ला पाएगा, है ना। तीसरी चीज, चलो मैं उसको परचेज कर भी लिया मैंने, ठीक है, बट क्या हम उसको जो रेल टिकट हम लोग 100 रुपीज या 200 रुपीज में एक कंज्यूमर को बेच पाते हैं, क्या एक नया प्लेयर वही चीज 200 रुपए में दे देगा वो सर्विस? क्या दे पाएगा? मुझे सिंपल सा आंसर दो इसमें। नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि उसको खुद इतनी कॉस्ट हाई पड़ेगी कि वो उस पर्टिकुलर कॉस्ट पे जो पहले से एक 50 साल पुराना प्लेयर दे रहा है वो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, हाँ जी मैम, है ना। तो दैट मींस ये सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, हर दूसरे फॉर्म्स को एंटर करने में रिस्ट्रिक्शन, सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। भाई अगर हमें ट्रेन से जाना है तो हमें ट्रेन की टिकट गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ेगी ना, रेलवे स्टेशन से जाके भी लेनी पड़ेगी, या फिर जो भी है आप इवन प्राइवेट से भी बुक करते हो, आपको टिकट के बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना ट्रेन में। ठीक है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, अगर आप फ्लाइट से जाते हो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, बस से जाते हो आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो एक किस्म का क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं है भैया, जो सेलर है वो उस प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब उसका ही फुल कंट्रोल है, कोई दूसरा बायर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा बायर बेचता है तो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, और मोनोपोली में भी यही होता है कि भैया जिसका कंट्रोल है, अब बीच में गवर्नमेंट ने टिकट्स महंगी कर दी थी, पहले बीच में पहले सस्ती कर दी थी अब फिर महंगी कर दी, तो भाई पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक को जिसको ट्रेन से जाना है उसको तो उतना प्राइस को देना ही पड़ेगा, है ना। और जो मोनोपोली है वो मतलब जो सेलर है वो प्राइस मेकर है, मतलब वो ही प्राइस बनाता है, और
डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेस इलास्टिक डिमांड कर, मतलब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती प्राइस चेंज करने से, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और है, वैसे मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से पूछूंगी, ये वाला पार्ट है ना जो ये वाला, अगर आप एक बार ऊपर से पढ़ के आओगे ना, मैं नोट्स आज भेज देती हूँ, उसमें ये वाला पार्ट खुद एक बार मेहनत करके देखो, ठीक है। इसको मैं फिर भी जिस बता देती हूँ कि जब एवरेज रिवेन्यू गिरेगा, मार्जिन रिवेन्यू तेजी से गिरेगा मोनोपोली के अंदर, भाई रिवेन्यू का जो टोटल एवरेज है अगर वो गिर रहा है तो मार्जिनल रिवेन्यू और तेजी से गिरेगा। ये एक बार खुद थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करो घर पे, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तभी समझ में आएगा आप इसको पढ़ लोगे। ओके ओके मैम। अच्छा अब नेक्स्ट वी हैव मोनोपोलिस्टिक, अच्छा मोनोपोलिस्टिक क्या होती है बेसिकली, देखो मोनोपोली के हमारे पास एक ही प्लेयर होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमारे पास ज्यादा बायर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा बायर्स ज्यादा सेलर्स होते हैं। जैसे कि गाड़ियों की मार्केट देखो, गाड़ियों की मार्केट में आपको गाड़ी आपको हुंडई से भी मिल सकती है, गाड़ी आपको होंडा वाला भी बेचता है, गाड़ी आपको निशान वाला भी बेचता है, गाड़ी आपको ये मारुति भी बेचती है ना, आपको काफी प्लेयर्स मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि प्रोडक्ट्स में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा, किसी भी मतलब किसी के फीचर्स, किसी का रंग, किसी की पैकिंग, किसी का प्राइस, है ना, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, आराम से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं फर्म, परफेक्ट नॉलेज मेरे बायर को नहीं होती, ठीक है। अब तुम गाड़ी लेने जाओ, क्या आपको 100% गाड़ी की नॉलेज होती है? नो मैम। और आप जब दूसरी उसमें चले जाते हो, दूसरे ब्रांड में चले जाते हो, वहां आपको कुछ और नई चीज निकल के आ जाती है, समझ में नहीं आती है ये क्या नया फीचर मिल गया, ठीक है। फिर पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, मींस कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर लेकिन थोड़ा सा है, भाई गाड़ियां बना के वो फीचर अलग करके थोड़ा सा कम महंगा सस्ता हो जाता है ना। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट जो है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है, मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जिससे कि आपकी प्रोडक्शन होती है, मतलब जैसे अगर मैं लेबर की बात करूं, वो एक वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। अगर लेबर है, लेबर आपका दूसरी जगह पे इजिली मोबाइल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो स्किल है वो उस तरह की गाड़ी बनाने में है, ठीक है। तो उसको उसी तरह की गाड़ी बनाने की अगर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलेगी तभी वो मूव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है। और डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कहने का मतलब है डिमांड जो है वो चेंज हो सकती है विद द चेंज इन एनी पर्टिकुलर फैक्टर, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो आपका फीचर का चेंज हो, चाहे वो आपकी फैशन चेंज हो, प्रेफरेंस चेंज हो, किसी भी वजह से, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब इसके बाद एक आ जाता है, ये आपने घर पे पढ़ना है, ये कर्व्स मैं कराऊंगी अगली क्लास में, थोड़ा सा समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको खुद पढ़ना है। ओलिगोपोली वो फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं और कुछ फर्म्स होती है, मतलब बहुत सारे नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, थोड़े होते हैं। जैसे अब आपकी एयरलाइंस है, एयरलाइंस के आपके पास ऑप्शन 3-4 ही है ना। यस मैम। है ना, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे, जहाँ पे फर्म्स होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसमें ना डिमांड कर्व को हम पहले से नहीं डिटरमाइन कर सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी इतनी डिमांड, बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के जो कैटेगरीज होती है ये लोग मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं, और इनके ना एरियाज भी डिसाइडेड होते हैं कि इस तरह की डिमांड, इस एरिया की डिमांड या इस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड मेरे पास आएगी इतने लेवल ऑफ कंज्यूमर। अब जैसे इंडिगो है, इंडिगो वो काफी जो है वो इकोनॉमिक एयरलाइंस कहलाती है, मतलब सस्ती जिसको चाहिए लो, मिडिल क्लास ज्यादातर लोग आपको इंडिगो के से ट्रैवल करते हुए मिलेंगे, इकोनॉमी क्लास के लिए वो ज्यादा मिलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपस में डिसाइड करके ही वो बेसिकली प्राइस डिसाइड होता है इसका, ठीक है। इसको आप छोड़ दो,
इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है बस इसको, ये इन्होंने इस फॉर्म में भी लिख दिया ताकि जब एग्जाम में पढ़ने जाओ अगर रिवाइज करना हो तो ये फीचर से बेसिक डिफरेंस आपको रिविजन में मान लो कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाए, मींस 100 रुपए के प्राइस पे मैं तैयार हूँ आपको बेचने के लिए और आप तैयार हो खरीदने के लिए, तो मेरा 100 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा, ठीक है। तो ये वो मार्केट स्टेट है जिसमें मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर? यस मैम। इसको ये इसको भी इतना जरूरत नहीं है, इसको अभी देखेंगे इसको प्राइसिंग करने की है जरूरत या नहीं है। अच्छा अब एक बात मैं आपको ना थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ, डिमांड सप्लाई भी बता देती हूँ ताकि एग्जाम के लिए आप तैयार होते जाओ। डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलती है कि भाई अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, ठीक है, अगर मेरा प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी और अगर मेरा प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। सिंपल लॉ ये बोलते हैं डिमांड का, ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। कौन से फैजल को क्लियर? फैजल यस मैम। ठीक है, सप्लाई उल्टा बोलती है। सप्लाई क्या बोलती है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर ज्यादा बेचेगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा सप्लायर कम बेचेगा। ऐसा क्यों? सप्लायर ज्यादा प्राइस पे क्यों बेचना चाहता है? ज्यादा प्रॉफिट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अगर वही जैसे फॉर एग्जांपल मैं माउस है, एक माउस में 300 रुपए का बेचती हूँ, वही माउस में से दूसरा बाय 500 रुपए में खरीदता है तो मैं 500 में बेचना चाहूंगी, ऑब्वियस है ना। अच्छा ये आपका सप्लाई कर्व हो गया भाई, देखो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है सप्लाई मेरी बढ़ रही है, ठीक है, ओके। ये देखो मार्केट इक्विलिब्रियम जो मैंने बताया था वही, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मीट कर रही है ना वो मेरी देखो 1.50 प्राइस हो गया और 70 मेरी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसको आई थिंक नोट्स जब आप पढ़ोगे ना ज्यादा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट ड्राइव्स डिमांड फॉर हेल्थ केयर गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार इसको ना 5 मिनट लगा के इसको एक बार पढ़ो फटाफट से अभी, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पेंड 5-7 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कई बार और एग्जाम में आया हुआ है तभी मैंने यहाँ डाला है।
हाँ जी रितिका फैजल क्लियर हो गए कहीं? रितिका यस मैम पढ़ा ये? हाँ जी मैम समझ आया? थोड़ा बहुत मैम। ओके और फैजल को? फैजल यस मैम को रीड किया है अब। ओके चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसको, बाकी एक बार और घर जाकर पढ़ना इसको अच्छे से। कि बोल रहे कि बेसिकली हेल्थ केयर गुड्स की जो डिमांड है वो कैसे ड्राइव होती है। अब देखो अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग अब जो है वो हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो डिमांड के फैक्टर्स रहेंगे बेसिकली वो ये रहेगा कि आपका जेनेटिक्स कैसा है, बिहेवियर एनवायरमेंटल इश्यूज कैसे हैं, फिजिकल इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर कैसे हैं, मेडिकल केयर कैसी मिल रही है, सोशल फैक्टर्स मतलब आप किस तरह की सोसाइटी में रहते हो। अब जैसे पहले जिम जिम की बात करें, जिम पहले लोग नहीं करते थे, पहले नॉर्मली गांव में जाके देखो विलेजेस में आपको देसी कसरत मिलेगी, राइट 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 है ना। अभी क्या है जैसे जैसे आपका ये सोशल फैक्टर्स की वजह से, आपके फैशन फैक्टर्स की वजह से, आपके यू नो इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स की वजह से लोगों का जो इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है उनके माइंड में जिम का ज्यादा पड़ता है, लोग जो है उस तरफ इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और लोग अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए जिम्स ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना इस तरह के फैक्टर्स आपके हेल्थ केयर डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज हम बात करें, समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। और दूसरा बाकी हमारे पास गवर्नमेंट का फंड्स कितने हैं, सब्सिडीज क्या है, एनकरेजमेंट्स क्या मिल रही हैं, आपके पास किस तरह के ड्रग्स आपकी कंट्री में अवेलेबल है, इन सब चीजों की वजह से भी आपकी डिमांड सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अब पहले ना कैंसर का इलाज कराने के लिए ज्यादातर लोग बाहर जाते थे, अभी हमारे इंडिया में भी ये फैसिलिटीज होने लगी हैं, इंडिया में डायलिसिस की फैसिलिटीज अभी काफी हॉस्पिटल्स में हो गई हैं, तो पहले इतना नहीं था तो लोगों की बाहर की डिमांड ज्यादा थी। तो ये सारे फैक्टर्स कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी आपकी अवेयरनेस है, किस तरह के आपके सोसाइटल फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपका हेल्थ केयर गुड्स की डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट करती है, ठीक है क्लियर है? ये ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था इसको, ठीक है जी। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट जो है ना प्राइसिंग पॉलिसी और ये बजट वजट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज के काफी हो गया तुम लोग के लिए, फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। अच्छा मैं कल स्केड्यूल करवा लूं क्लास आपकी, क्योंकि पहले वाली भी सारी कितने बजे बताओ? कल आप किसी टाइम करवा लो। फैजल यस मैम ठीक है, मैं सीमा से बात करके कराती हूं। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।